हाय, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आ रहे हैं विंटर्स। विंटर्स सर्दियाँ, सर्दियाँ यानी कि बहुत सारी खुशियों का माहौल, बहुत सारे फेस्टिवल्स का सीज़न। जैसे कि हम जानते हैं कि अब दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है और चारों तरफ शादियाँ हो रही हैं। पूरा माहौल इतना अच्छा है कि हमारे हर तरफ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। ऐसे में हम खूब मस्ती कर रहे हैं, शायद एक अदरक वाली चाय, हॉट कॉफ़ी या आलू पराठा और बहुत सारी मस्ती दोस्तों के साथ। पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज बात करना चाहूँगा। मैं हूँ डॉक्टर अंशुल गुप्ता, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियों के बारे में आज आपसे बात करूँगा। तो जैसा हम जानते हैं कि विंटर्स अपने साथ केवल ये खुशियाँ लेकर नहीं आती, बट अपने साथ कुछ बीमारियों का भी इंसिडेंस को बढ़ा देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इस गिरते हुए टेम्परेचर के लिए काफ़ी सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म चालू हो जाते हैं। हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे अंदर जो हार्ट रेट है या हमारे हार्ट के जो चेंजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे जो भी दिनचर्या है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। हम काफ़ी टाइम अपने घर के अंदर बिताते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, बाहर कम निकलते हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। शायद हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं। इन सब चेंजेस के होने की वजह से हम देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। हमारे जो आउट पेशेंट पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इन पेशेंट एडमिशन भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि हमें अपना ख्याल रखना है, एंड योर हार्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर ड्यूरिंग दिस विंटर्स।